क्योंकि काशी के लोगों से बहुत प्यार मिला और काशी में मैं आता जाता रहूँगा। काशी के लोगों के साथ जो संबंध बना है ये संबंध हमेशा के लिए बरकरार रहेगा। और आम आदमी पार्टी को 4 सीटों पे शायद अभी लीड कर रही है, 4 सीटों पे पंजाब में लीड कर रही है, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। हम लोगों के लिए पहला चुनाव था, लेकिन दिल्ली में थोड़ी सी निराशा हुई है। दिल्ली में हम अच्छा कर सकते थे। मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ, ये चुनाव हमारे नहीं है। हमारे पास तो ना पैसा था ना रिसोर्सेज हैं। जैसे दिल्ली के अंदर भी 70 सीटों पे लड़े तो वो तो जनता के चुनाव थे। ये भी हम हमेशा सोचते हैं, हमने तो एक प्लेटफॉर्म दिया इस देश को। ये चुनाव हमारे नहीं है, ये चुनाव जनता लड़ेगी। तो जहाँ जहाँ जैसे अब किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि पंजाब में 5 सीट आ सकती है, 4 सीट आ सकती है, किसी को उम्मीद ही नहीं थी, तो हमने तो एक प्लेटफॉर्म दिया है। जो जीत या हार जो है वो हमारी नहीं है, और ये लड़ाई सच्चाई जनता ने जो भी निर्णय लिया है, तो जनता का निर्णय जनतंत्र के अंदर सर्वोपरि होता है और मैं उसकी इज्जत करता हूँ। चुनाव की जीत या हार तो चलती रहती है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि काशी की जनता से बहुत प्यार मिला, बहुत आदर मिला, सम्मान मिला, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैंने यही कहा ना कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इस देश के अंदर बहुत बड़ी चर्निंग चल रही है इस टाइम। कहाँ पे जनता आपका साथ देगी, कहाँ पे जनता साथ नहीं देगी, ये लड़ाई भी बहुत लंबी है, आपको पता ही नहीं है। इसीलिए जो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने हर जगह कैंडिडेट्स खड़े किए, हमने तो एक प्लेटफॉर्म दिया है, उसमें कहाँ लोग समर्थन करेंगे कहाँ लोग समर्थन नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं है। हमें भी उम्मीद नहीं थी कि पंजाब में इस तरह का समर्थन मिलेगा, और हमें उम्मीद ये भी नहीं थी कि दिल्ली में इतना कम वो समर्थन मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं, अगले 3-4 दिन में बैठेंगे इसके ऊपर।